अवसर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का सब करीब आ रहा है और चूँकि ब्रिज में तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर जयंत शर्मा यहाँ जीवन हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बेलामार विष्णुपुरी से बोल रहा हूँ। मैं नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हूँ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का। तो एक नागरिक होने के नाते भी, डॉक्टर होने के नाते भी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का सदस्य होने के नाते भी मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि जो हमारा जन्माष्टमी का त्यौहार है, ये इसके लिए सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन चूँकि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है और जन्माष्टमी के त्यौहार पर ब्रज पूरा क्षेत्र इसे बहुत हर्षोल्लास से मनाता है और भीड़ भाड़ बहुत रहती है, बाज़ारों में भी मेले भी निकलते हैं, कृष्ण जन्मभूमि में भी बहुत भीड़ भाड़ रहती है, मथुरा में बहुत भीड़ भाड़ लोग आते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि एक तो कोशिश करें कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। अगर बिल्कुल ही लगता है कि आवश्यक है तो जो सरकार ने गुरु मंत्र दिए हुए हैं, साइंटिस्ट ने जो गुरु मंत्र दिए हैं कि मास्क लगाना है, हाथ धोते रहना है और सैनिटाइजर जैसे हाथ धोते रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो इसको करते रहें। क्योंकि अभी थर्ड वेव ख़त्म नहीं हुई है, आई नहीं है तो ख़त्म भी नहीं हुई, ये भी समझ लें। पिछली वेव में आपको पता ही है किस तरह के हालात हुए थे। सर यूरोप में केस अभी यूरोप में नहीं और बहुत सारे कंट्रीज जैसे जितना मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड उस तरफ भी बहुत सारे, वेल्स, इन सब में भी बहुत सारे, यूरोप में और अमेरिका में भी केसेस बहुत बहुत बढ़ रहे हैं। तो हमें इस डेल्टा वायरस के प्रकोप से बचने के लिए अपनी तरफ से जितने भी प्रयास हो सकते हैं वो व्यक्तिगत रूप से भी, सामाजिक रूप से भी करने चाहिए, क्योंकि सरकारें बहुत प्रयास कर रही हैं लेकिन वो प्रयास व्यर्थ ना जाए। सर मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है जिसकी वजह से लोग वायरल का शिकार हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है? अपनी वायरल का शिकार होने का, ये मौसम का वेदर चेंज जिसे बोलते हैं, बहुत बड़ा इसका कारक होता है। इसमें इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी संभव प्रयास है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आधा घंटा रोज़ एक्सरसाइज करना, सनलाइट में जाना, तो वो सब आप करते रहें। हेल्दी खाना खाना, जंक फूड का ना लेना, सिगरेट शराब इनका सेवन कम से कम करना, तो ये सब चीज़ें आप अपनी बचाव के लिए कर सकते हैं, तो यही करें। और ये चूँकि ये वायरल फीवर है, इसे घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ समय बाद ही अपने आप ही सबसाइड होगा। सर अब साथ देखे जा रहे हैं कि लोग कहीं ना कहीं नशों की जो लत उनको पड़ रही है तो वो उनके डिप्रेशन की वजह से पड़ रही है, कहीं ना कहीं तनाव में वो जी रहे हैं भाग दौड़ के। अब धीरे धीरे तनाव का कारण जैसे कोरोना था वो ख़त्म होता जा रहा है, तो अवसाद यानी जिसे डिप्रेशन कहते हैं वो अभी एक लंबे समय तक लोगों के दिमाग में रहेगा, क्योंकि अपने आसपास अपने बंधु बांधव में बहुत से लोगों ने अपने इष्ट मित्रों को, परिजनों को खोया है, तो वो और पैसा इस कोरोना के टाइम में खर्चा भी बहुत हुआ है और इनकम बहुत कम थी, तो धीरे धीरे इससे निकलेंगे। और भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सारे प्रयास जो हमारी गवर्नमेंट्स कर रही हैं सार्थक हों, हमारी जीडीपी ऊपर बढ़े, लोगों की इनकम बढ़े, तो फिर अवसाद से निकलना, क्योंकि व्यस्तता भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आप व्यस्त होंगे तो फिर आप अवसाद से बाहर। मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा है वो किस तरीके से लोग पूरा कर सकते हैं? आत्मनिर्भर भारत में देखिए, ये कोई एक मोदी जी का हम ऐसे मान के चले कि खाली मोदी जी का ही मंत्र है, ये मंत्र सबके लिए है, सभी, क्योंकि इसे हम किसी तरीके से पॉलिटिकल ना देखें, ये मंत्र सबके लिए है। आत्मनिर्भर होने के लिए आपको सारी इंडस्ट्रीज़ को ओपन करना है, सारे लोगों को अपने प्रयास करने हैं, अपने अपने तरीके से छोटे छोटे जो भी काम धंधे वाले हैं उनको आपको काम धंधों पर वापस आना है, जिससे कि हमारी जो GDP है वो बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, तो ये अपने आप धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो। सर जैसे कि हम चाइना पर निर्भर रह करते थे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के वजह से, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन आज हम वो निर्भरता नहीं रखती हैं, अपने यहाँ इकाइयाँ भी पढ़नी शुरू हो गई हैं, तो किस तरीके से हम आगे बढ़ पाएंगे? ये थोड़ा सा ये समझने की आवश्यकता है कि एक देश सारी चीज़ें हम 100% चीज़ें, क्योंकि हम एक विश्व में ऐसे में रहते हैं जहाँ हम इसे ग्लोबल वर्ल्ड कहते हैं, तो सारी चीज़ें नहीं बनाते लेकिन हम और लोगों से सामान लेके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यही चाइना के साथ था और ये भी और कंट्रीज़ के साथ भी है। अब धीरे धीरे करके भारत में ये हमारी सरकारों ने अपना विचार किया कि हमें बहुत ज़्यादा निर्भर ना रह के अपने को आत्मनिर्भर करना है। तो इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, सरकार ने अभी जो आपके मोबाइल में, आपके कैमरों में चिप पड़ती है, हमारे देश में वो चिप नहीं बनती है, ये चिप का मुख्य रूप से वो सिंगापुर में और कुछ कंट्रीज़ में और चाइना में कुछ एक हैं भारत मैन्युफैक्चरिंग। अब भारत चिप के बनाने के मामले में आत्मनिर्भर होने जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। उन कंट्रीज़ पे हमारी डिपेंडेंस कम हो जाएगी, हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं इनके दाम भी कम होंगे, और चिप्स बनाने का मतलब हुआ कि हम आगे एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे।
बाहर के देशों को, तो इससे भी हमारा बहुत, तो इसलिए आत्मनिर्भर भारत वाली बात जहाँ तक है ये सभी के लिए। थैंक यू।